हेलो हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि जो भी कृष्ण भक्त बन जाते हैं उनको सब सम्मान देते हैं और कृष्ण उनकी हमेशा रक्षा करते हैं, हैं? कृष्ण हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। तो ढाका में कुछ दिन पहले ही इस्कॉन मंदिर पे कुछ लोगों ने अटैक किया, तो ऐसा क्यों? उनकी तो रक्षा भगवान करते हैं ना, और वो अटैक में मतलब थोड़े डिवोटीज को भी बहुत प्रॉब्लम हुई सही। ये तो केवल बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाता है, और भगवान अंततः भक्तों के योगक्षेम का वहन करते हैं। बाह्य दृष्टिकोण से भले कोई भक्त को मार दिया गया, ठीक है, भक्त मर गया, मैं क्रूएल उत्तर दे रहा हूँ, भक्त मर गया ठीक है, लेकिन वो भगवान के कार्य के लिए मरा हुआ है। महाभारत में वर्णन है कि भगवान का दर्शन करते हुए जो लोग मरे गए थे उनको ही मुक्ति मिल गई थी। ये तो भगवान का सेवा करते हुए मरा है, तो कहना ही क्या है, इसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस भक्त के लिए कोई तकलीफ नहीं है। जो मारे हैं तो कर्म फल के अनुसार उनको अपना कर्म फल भोगना पड़ेगा। जहाँ तक मान सम्मान का बात कर रहे हैं तो देखिए, सज्जन लोग सम्मान करते हैं, असुर लोग सम्मान नहीं करते हैं। न प्रहलाद महाराज शुद्ध भगत थे, नारद जी के चेले थे, उनका स्वयं बाप, ये तो बांग्लादेश में दूसरे लोग थे ना, उनका बाप ही उनको मारने कितना प्रयास किया, तो असुर था। तो असुर लोग ऐसा रहते हैं, असुर लोग नहीं रहेंगे तो भक्त लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। असुरों को होना जरूरी है भक्तों को ठीक रखने के लिए, तो दोनों होना चाहिए। ये असुर और देवता दोनों ही संसार में रहते हैं। पीछे प्रश्न है, एक बंद मत करना माइक को। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग कोई भी चीज़ है उसको खोना क्यों नहीं चाहते हैं, क्या? किसी चीज़ को खोना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हम आसक्त हैं उस वस्तु में, हम आसक्त हैं इसलिए खोना नहीं चाहते हैं। वास्तव में हम लोग चोर हैं, असली चीज़ है कि हम चोर हैं। वस्तु से मेरा मतलब कि ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं था, लिविंग थिंग जैसे माँ बाप भाई बहन ये। कोई भी है, अरे अपना देह ही देखो ना, ये देह से पहले आसक्ति होती है और तब देह से संबंधित लोगों से। जो चोर होता है उसे हमेशा डर रहता है कहीं पुलिस वाले पकड़ न लें। तो ये सब वस्तु भगवान की है, ये देह भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम इसको चोरी कर लेंगे, हमारा है। ये चोर समझता है कि मेरा धन है, वो चोरी का धन है लेकिन समझता है कि मेरा है, इसलिए वो भयभीत रहता है। वैसे ही जब तक से देह को हम अपना मानते रहेंगे तब तक से हम लोग दुखी रहेंगे। आसक्ति जो है वो दुख का कारण होता है, आसक्ति से ही दुख होता है। तो देह जिसका है उसके लिए छोड़ दो, उनके सेवा में लगाओ। ये देह भगवान के द्वारा दिया गया, भगवान गीता में कहते हैं, भूमिरा परलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतिमे भिन्ना प्रकृति सदा, ये मेरी प्रकृति से बना हुआ देह है, तो उनके सेवा में लगाइए, फिर आपको दुख नहीं होगा, फिर आसक्ति नहीं रहेगी। भगवान के सेवा में लगाओ, भगवान का नाम जप करते रहो। यस, राजेंद्र जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण राजेंद्र जी। जैसे आपने इस्लाम धर्म के बारे में बताया, ईसाई धर्म के बारे में बताया कि वो नियम पालन करते हैं और नियम के स्वरूप उनमें अपने धर्म के प्रति एक भावना पैदा होती है। मेरा ऐसा मानना है, जैसे आपने बताया कि वो बच्चे जन्म लेते ही उनमें उस भावनाओं को पैदा किया जाता है, उनको कुछ नियमों के द्वारा पैदा किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे कौन से नियम हैं जो कि बच्चा पैदा होने के साथ ही हम उनमें लागू करें और जिससे उनमें भक्ति भाव पैदा हुए, संसार का रस उन्हें पता लगे कि वाकई में ईश्वर क्या है,
और ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें? धन्यवाद। इसके लिए पहले तो हमको करना पड़ेगा, जब हम करेंगे तो बच्चा स्वयं करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठा, तो हम लोग करना चाहिए। जो मनुष्य कहलाते हैं, मनुष्यों को पांच काम करना चाहिए, जो मनुष्य हैं, पशुओं के नहीं, मनुष्यों को पांच काम। और पहला काम है सनराइज से पहले डेढ़ घंटा उठ जाना, सूर्योदय से डेढ़ घंटा पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना, ये पहला करणीय कार्य है। क्योंकि यहाँ पर साक्षात भगवान सूर्य हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। अब नारायण आ रहे हैं, हम सो रहे हैं, कितना अपमान है नारायण का। प्राइम मिनिस्टर आए, कोई सोएगा? चार दिन तक नींद नहीं आएगी, व्यवस्था में लग जाएगा। नारायण आ रहे हैं, सो रहे हैं। तो मनुष्यों का पहला काम है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। दूसरा काम है जगने के तुरंत बाद नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना, स्नान इत्यादि कर लेना। तीसरा काम है भगवान का भजन करना। चौथा काम है अतिथियों को सत्कार करना। और पांचवा काम है दान देना। ये समस्त मनुष्यों के लिए पांच कार्य हैं। तो यदि हम ये करेंगे तो हमारे बच्चे नेचुरली करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जेके फैमिली में ऐसा नियम था, जो दादी थी जेके फैमिली की, वो बच्चों के लिए कैसे मंदिर आएंगे, जेके का अपना लक्ष्मी राधा कृष्ण का मंदिर है कानपुर में, तो वो कहती थी कि जो भी मंदिर आएगा उसको एक आना पैसा मैं दूंगी, चलो या प्रसाद दूंगी। तो बच्चे आते थे मंदिर, लेकिन उससे पहले क्या करना है, जल्दी उठना है, मंगल आरती में आना है, जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि करना है। तो भले वो लचीदाना के लिए, प्रसाद के लिए, एक आना रुपया के लिए आते थे, लेकिन वो उनका तरीका था लोगों में लगाने का, ऐसे भगवान में लगाने का। तो राजेंद्र जी, सबसे अच्छा चीज़ है कि पहले हम लोग लग जाएं, और हम लगेंगे तो बच्चे देखेंगे, अरे हमारे बाप कर रहा है, मैं करूँगा, जरूर करेंगे। और बचपन एक ऐसा चीज़ होता है कि हमारा मस्तिष्क साफ स्लेट के समान होता है, जो भी आप बचपन में लिख दो वो हमेशा रहेगा। बीच में यदि बिल्डर ही बच्चे हो जाएं, कोई बात नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, पुनः आ जाएंगे, लेकिन उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके लिए अच्छा है कि हम लोग स्वयं आचरण करें। भगवान आचरण पर बहुत बल दिए, गीता में कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतरतो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोक तद् अनुवर्तते। हम जैसा आचरण करते हैं, भगवान चार विशेषता दिए हैं आचरण पर, यद यत और तत् तत्। आचरण का चार गुना प्रभाव पड़ता है, लेकिन केवल फिलॉसफी झाड़े बच्चे को समझाएं और आचरण न करें तो उसका केवल यत और तत् केवल दो बार भगवान दिए हैं। तो आचरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बजाय कि समझाने का। और यदि कोई आचरण करते हुए समझाए तो सोना में सुहाग लग जाएगा। तो सभी हिंदू बाप माओ का धर्म है, यदि बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो पहले हम आचरण करें और बच्चों को समझाएं, फिर एवरीथिंग फर्स्ट क्लास। और पीछे लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे माता अपने बच्चे की सेवा करती है तो कोई भी काम करे तो उसका ध्यान उधर रहता हमेशा ही, लेकिन जैसे हम लोग सत्संग में रहते हैं फिर जब संसार में जाते हैं तो अपने भाव बदल जाते हैं, तो भगवान की याद क्यों नहीं रहती? और अगर माँ का बच्चे के प्रति क्या संबंध के नाते होता आपस में, कि अपना मानने के नाते कि हमेशा उसको बच्चे की याद रहती है, कुछ भी करेगी लेकिन उसको बच्चे पे ध्यान हमेशा रहता है, तो ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता? संबंध और यादगारी दोनों जरूरी है। हम लोग अपने संबंध को भूल चुके हैं, हम 36 हो गए हैं, माँ और बच्चे हैं ना वो 63 हैं, और भगवान और हम हैं 36।
उल्टा हो गया ना, दोनों में तीन और छः हैं। तो सामने जो रहता है उसका स्मृति रहता है, जिसको भूल जा, जो पीछे कौन देखता है, कौन याद करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शसनेस का, लोगों को सामने लाने के लिए, 63 बनाने के लिए। हम 36 भूल गए हैं, 36 हो गए हैं। कृष्ण बहिर्मुख जीव, कृष्ण भूले गेला, जो कृष्ण से बहिर्मुख हो गया है वो कृष्ण को भूल चुका है। तो कृष्ण का के सामने आना पड़ेगा, तब स्मृति बनी रहेगी।